आप वाहन चलाते हैं रोड पे, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, उसे संयम और ठंडे दिमाग से चलाना चाहिए और अपने मंजिल पे पहुंचना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में कल एक ऐसी ही घटना घटी जहां ब्रांड फैक्ट्री के आसपास एक बाइक सवार और कार सवार के बीच में तूतो मैमे हुआ कट मारने को लेकर। मामला इतना तूल पकड़ा कि बाइक सवार को कार वाले ने टक्कर मारकर आगे निकल गया, तो बाइक सवार इतना गुस्से में था कि उसने भाईंदर पश्चिम तक उसका पीछा किया और एक पत्थर उठाकर उस कार के ऊपर दे मारा, जहां पे कार वाले के पीछे की कांच टूट गई। मामला यही ठंडा नहीं हुआ, फिर कार वाले को ज़्यादा गुस्सा आया और उसने यू टर्न मारा और उस बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों बाइक सवार गिर गए। एक व्यक्ति तो तुरंत वो अचेत होकर गिर पड़ा, दूसरा घायल हुआ। जो व्यक्ति अचेत हुआ था उसे जे अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां पे वो कोमा में था। जब इसकी सूचना भाईंदर पश्चिम पुलिस को लगी तो उन्होंने कार सवार व्यक्ति के ऊपर 307 का मामला दर्ज किया। वहीं कल उस जो व्यक्ति कोमा में था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भाईंदर पश्चिम पुलिस ने कार सवार व्यक्ति के ऊपर 302 का मामला दर्ज किया और अभी भी वो आरोपी पुलिस कस्टडी में है। सीनियर पीआई एमबी पाटिल से बात करना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। एक बजे एक टू व्हीलर पे दो सवार जा रहे थे और ब्रांड फैक्ट्री के सामने पीछे से एक फोर व्हीलर आई, उसने कट मारने से दो टू व्हीलर वाले थे और नीचे गिर गए और फिर इसमें से टू व्हीलर वाले और फोर व्हीलर वाले में कुछ कहाँ सुनी हो गई और फोर व्हीलर वाला आगे निकल गया। इनको उसका गुस्सा आया, उन्होंने पीछा किया उसको रुकाने के लिए, लेकिन वो नहीं रुका। भाईंदर वेस्ट में मोरवा गांव के आगे तक उनका पीछा किया, वो फिर फोर व्हीलर वाला नहीं रुक रहा था तो उसने टू व्हीलर वालों ने गुस्सा आया, गुस्से में उसने फोर व्हीलर गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका। उसका गुस्सा आने के बाद फोर व्हीलर वाले ने यू टर्न मारा और ये टू व्हीलर वालों को पीछे से आके उन्होंने डैश दिया। डैश इतना ज़बरदस्त था कि जो टू व्हीलर वाला जो चला रहा था वो ऑन द स्पॉट कोमा में चला गया। उसको जे हॉस्पिटल में भर्ती किया लेकिन कल उसकी डेथ हो गई। आखिर तक वो कोमा से नहीं बाहर आ सका। जिस दिन ये वाक्य हुआ उसी दिन भाईंदर पुलिस स्टेशन ने IPC धारा 307 के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था, आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी अभी जेसी में है और ये उसकी डेथ होने के बाद उसको 302 लगाया गया है। आखिर में कार सवार व्यक्ति को इतना गुस्सा क्यों आया और कार में कितने लोग थे और कहाँ जा रहे थे? कार सवार ये गोराई के रहने वाले थे, उनके साथ में उनकी होने वाली पत्नी थी और ये दोनों काश्मीरा नाके से गोराई जा रहे थे, ये दो ही लोग थे। इन्होंने पीछा करके उसका कार का की शीशा तोड़ दिया पत्थर मार के, तो इसलिए उनको इतना गुस्सा आया। तो इन युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए कैसा है, कानून के तहत एक्सीडेंट का जो डेफिनेशन बताई गई है, जहाँ पे अंदाज गलत हो जाते हैं वहीं पे एक्सीडेंट होता है। दोनों कार वालों को, दोनों ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि मैं निकल जाऊँगा लेकिन उनका अंदाज सही नहीं होता, कहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाता है और टकराव हो जाता है। ऐसे इसमें हमेशा कार जो ड्राइवर होता है उन्होंने दिमाग ठंडा रखना चाहिए और हाथ और पैर गर्म रखने चाहिए, गियर और पैडल का सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए।